हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। CBT 2 की NTPC की एग्ज़ाम की डेट पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। अधिकतर छात्र भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर CBT 2 कब से होगा, और यहाँ पे RRB भर्ती बोर्ड द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। जितने भी हमारे रेलवे ग्रुप डी और रेलवे NTPC के छात्र आज की वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दें आप सभी लोगों की ग्रुप डी की परीक्षा भी यहाँ पर समझिए फाइनल हो चुकी है, और NTPC की CBT फर्स्ट का जो रिजल्ट है, ठीक है, CBT फर्स्ट का रिजल्ट ये आप लोगों का कब तक जारी होगा, फाइनल आंसर की यानी कि अंतिम जो उत्तर कुंजी है उस पर भी लेटेस्ट अपडेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं पूरी अपडेट। और आगे बढ़ने से पहले, अभी तक की अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आगे से अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है आप सभी के रेलवे NTPC एग्जाम पर, CBT फर्स्ट के रिजल्ट पर, आंसर की पर, ठीक है, या कट ऑफ पर, तो आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक जानकारी पहुँचाई जा सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं पूरी अपडेट। और टेलीग्राम से जरूर ऐड होना है, अगर आप लोगों ने CBT 2 की स्टार्टिंग कर दी है, तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विदर्भ को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें करंटली अभी तक 10,000 से ज़्यादा छात्र जुड़े हुए हैं, 10,600 से। और यहाँ पे हम लोग जो है जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उनकी तैयारी कराते हैं। GS का हम लोग पोर्शन शेयर करते रहते हैं, स्टैटिक GK का आपको यहाँ पर पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है, और काफ़ी कुछ कंटेंट मिलेगा हमारा ऐसा भी जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा CBT 2 में, ठीक है। अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए तो भी आपको हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है। GK GS करंट अफेयर्स चाहिए तो भी आपको हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है। लेटेस्ट और बिल्कुल कंसाइज कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप लोग इसका लाभ जरूर लीजिए। टेलीग्राम पर सर्च करिए जाके सरकारी जॉब भी दबे, आपको ये टेलीग्राम चैनल आसानी से मिल जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आपको बताते हैं आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, CBT सेकेंड का वो कब होना है और CBT फर्स्ट की आंसर की पर क्या अपडेट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम RRB भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल साइट्स पे से जो अपडेट आ रही है उसको हम बताएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें, जो भी आपको अपडेट बताई जाती है ऑफिशियल साइट से ही बताई जाती है। सबसे पहले हम आपको पूरी अपडेट बता देते हैं, इसके बाद हम आपको कट ऑफ भी बता देंगे, ठीक है। तो ये आपकी आज तक की ऑफिशियल साइट है, जिस पर जो है रेलवे NTPC के रिजल्ट पर जब अधिकारियों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो देखिए। रेलवे NTPC CBT फर्स्ट का रिजल्ट और कट ऑफ नॉन टेक्निकल के लगभग जो है 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, ठीक है, और परीक्षा भी दी है, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है आप लोगों का दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक 7 पेजों में आयोजित किया गया, ठीक है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ और रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर सितंबर के पहले हफ्ते में जारी हो सकते हैं। तो आपको बता दें सितंबर जो आपका अगला मंथ जो आपका स्टार्ट हो चुका है आज से, ठीक है, यानी कि आप लोगों को आने वाले 2-3 दिनों में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ये लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है, कि आप सभी का जो CBT फर्स्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत होती हो, ठीक है, क्योंकि आंसर की जो आप लोगों की है वो जारी हो चुकी है, आंसर की क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग अगर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे, डेट्स दिया था कब कर पाए, ठीक है। और इसके बाद आपको बता दें अब फाइनल आंसर की जो है आप लोगों की वो कब तक जारी की जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें आप सभी लोगों का जो फाइनल आंसर की 10 सितंबर 2021 तक जारी हो जाएगा, जबकि 15 सितंबर तक जो है आप सभी का रिजल्ट जो है ऑफिशियल साइट RRB.CGT.GOV.IN पर जारी होने की उम्मीद की जा रही है। अब यहीं पर साथ ही साथ हम कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले माल्टा जोन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे छात्र जो हैं अप्लाई किए हैं, और जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जो लो जोनों में टारगेट किए थे उनमें माल्टा जोन जो है सबसे फेवरेट जोनों में से एक है उनका, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने माल्टा जोन से अप्लाई किया है तो अभी तक की जनरल SC OBC और ST का जो कट ऑफ है कितना जा रहा है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें CBT फर्स्ट में कितने छात्र क्वालिफाई होंगे, ये भी आपको पता चल गया होगा कि 8 लाख के करीब CBT फर्स्ट में करीबन जो है 8 लाख छात्रों को पास किया जाना है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि CBT फर्स्ट में जो जितने भी हमारे छात्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है काफ़ी कम जो है अटेंडेंस रही, और पदों की संख्या भी 35,000 बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पिछली बार की तुलना में कमी किया जा रहा है, ठीक है। आपको पता होगा इससे पहले जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो वैकेंसी आई थी NTPC की उसमें पदों की संख्या लगभग 18,000 के करीबन थी, ठीक है, जिसमें आप लोगों का जो जनरल का है OBC SC और ST का कट ऑफ गया था, ठीक है, मालदा जोन से वो करीबन 35 के अंदर ही हुआ था, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप लोगों ने जनरल OBC से और ST की छात्र हैं और आप लोगों ने अगर मालदा जोन को टारगेट करते हुए एग्ज़ाम को प्रिपरेशन किया है और CBT फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया है, तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 35 से लेकर 40 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है।
ये सेफ स्कोर हम बता रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के अगर इतने अंक आ रहे हैं तो आप लोग जो है अपना CBT 2 की तैयारी के लिए जो है अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात OBC कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी हमारे OBC कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो CBT 2 की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो, जाना चाहते हैं CBT 1 में कितना मैक्सिमम जो है स्कोर अचीव करना ही करना है, ठीक है। तो आप लोग अगर OBC चाहते रहे तो आपको कम से कम नेट 32+ तक स्कोर करना ही करना है, ठीक है। 32 से लेकर 35 के बीच में आपको स्कोर करना ही करना है। CBT 2 अगर आप लोगों को देना है तो ये एक सेफ स्कोर है। वहीं हम SC और ST का बात कर लेते हैं, 30+ और 28+, इतना जो कट ऑफ है। तो अगर आप लोग भी मालडे जोन से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी के चाहते हैं, तो 35 से लेकर 40 के बीच में, OBC कैटेगरी के हैं तो आपका 32 से 35 यानी कि 35 के बीच में, SC वालों को 30+ और ST वालों को 28+, इतना स्कोर करना है आप लोगों को अगर मालडा जोन से सिलेक्शन लेना है, ठीक है। सबसे लोवेस्ट जोन है, ठीक है, इसके बाद सीधा आता है गोवा, इसके बाद जम्मू आता है, ये सभी आते हैं, लेकिन फेवरेट जोनों में मालडा जोन सबसे फेवरेट जोन होता है, ठीक है। और सबसे लो जो मतलब कि कट ऑफ भी यहीं की जाती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आप लोगों का CBT 2 का एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने भी तैयारी स्टार्ट कर दी तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि CBT 2 जो है आप लोगों का ये कब होगा। तो आपको बताते हैं CBT 2 जो है RRB भर्ती बोर्ड के चेयरमैन और जितना भी हमारा जो सोर्सेज है, मीडिया रिपोर्ट्स है, उनके अनुसार यहाँ पे नवंबर 2021 के फर्स्ट वीक से जो है आप लोगों का कंडक्ट हो सकता है, वही अपने 5 से 10 नवंबर के बीच में आप लोगों को जो है CBT 2 एग्ज़ाम जो है स्टार्ट किया जा सकता है RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, ठीक है। मोटा मोटी मान के चलें तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सितंबर बचेगा, अक्टूबर बचेगा, ठीक है, और आप लोगों का 2 मंथ बचेगा, ठीक है। 2 मंथ में आप लोग NTPC की CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक शेयर जो करें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जो कर लें, क्योंकि ये जो कट ऑफ है आप लोगों का, अधिक से अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया था और इसके बाद ही तैयारी किया गया था, ऐसे ही कट ऑफ आपका हर जोन का मिलता रहेगा।